माली सैन्य महासभा की ओर से रविवार को मानसरोवर स्थित राज अंगन रिजॉर्ट में आम सभा और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष छुट्टन लाल सैनी ने की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, विशिष्ट अतिथि पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के प्रस्ताव पर छुट्टन लाल सैनी को सर्व सम्मानित से दोबारा राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इससे पहले समाज के हित में छुट्टन लाल माली ने अपने इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि समाज की ओर से उनके कार्यकाल को एक साल के लिए फिर बढ़ाया गया। कार्यक्रम के दौरान रोजगार महाभियान पोस्टर की लॉन्चिंग की गई। इससे पहले समाज के भामाशाहों का सम्मान किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, जब घर परिवार में बैठ कर अपनी बात करते हैं तो आने वाले समय में वह हमारे लिए सलाह भी होती है और सलाह मशवरा होकर निर्णय होते हैं तो समाज के लिए हितकारी होते हैं। भूपेंद्र सैनी, पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी, चूरू नगर पालिका पायल सैनी, कार्यकारी अध्यक्ष सीएल सैनी, महामंत्री मनोज अमजमीरा, कोषाध्यक्ष सागर मावर, महामंत्री बाबूलाल सैनी, प्रवक्ता विनित सांखला, महामंत्री प्रहलाद सैनी, उपाध्यक्ष भागचंद सैनी, जयपुर जिला अध्यक्ष रोशन सैनी, विष्णु सैनी, बीरचंद सिंगोदिया, डॉक्टर जेएल वर्मा, एडवोकेट इंद्राज सैनी, आशाराम सैनी, कैलाश राज सैनी, सीता भाटी, जुगल किशोर सैनी, किशोर कुमार टांग, ओम प्रकाश सांखला पुष्कर, एडवोकेट पुष्पेंद्र कुमार सैनी, छात्र नेता किरोड़ी लाल सैनी सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। देखिए, माली प्रदेश महासभा के सभी सम्मानित सदस्यों की एक आम सभा रखी गई, जनप्रतिनिधि का सम्मान रखा गया और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय प्रभुलाल सैनी जी का, भाई पिंटू जी का, कैलाश जी का, छुट्टन लाल जी का और इस संस्था से जुड़े हुए तमाम लोगों का। सीएल सैनी जी भी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। एक साल के लिए हमारे छुट्टन लाल जी को दोबारा से सभी लोगों ने सर्वसहमति से अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया है। उसके बाद फिर से चुनाव होंगे, समाज को चाहे वो अध्यक्ष बनेंगे। हम चाहते हैं कि राजस्थान में माली सैनी समाज बड़ा समाज है, सामाजिक एकता के लिए, संगठन के लिए हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं और जब समाज की बात आती है तब उसमें पार्टी की बात नहीं होती है। हम लोगों ने ये तय किया है कि समाज अच्छे काम के लिए सबके साथ सबको लेकर चलेगा, इसलिए एक साधारण सी मीटिंग जो हर बार होती है, प्रतिवर्ष होती है, उसमें ये निर्णय हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारी राजनीतिक ताकत भी बढ़े, हम लोग सामाजिक रूप से मजबूत भी रहें, हम आर्थिक रूप से मजबूत रहें और समाज का प्रत्येक व्यक्ति अगर कहीं भी किसी स्थिति में उसको जरूरत पड़े तो सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से उसकी मदद करें, इसलिए ये संगठन बना है। और हमें खुशी है कि हमारे कर्मचारी संघ के जो सदस्य हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे समाज के लोग भी हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, बड़े प्रतिष्ठित लोग हमसे जुड़े, व्यापारी बंधु भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए हैं। सब समाज ये चाहते हैं कि उनका समाज आगे बढ़े, समाज में सुधार के काम हो। राजनीतिक पार्टियों में समाज में आज देखने में आया कि समाज में अलग अलग संगठन नाम बनाने के नाम पर कहीं ना कहीं बंटवारा किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा सकता है कि समाज एक मंच पे आ जाए और एक ही संगठन हो? देखिए, ये बात सच है कि समाज राजनीति से बहुत बड़ा स्थान रखता है। एक समाज मिलकर कई पार्टियों का गठन कर सकता है लेकिन सारे राजनीतिक दल मिलके भी एक समाज का गठन नहीं कर सकते। आज ये बैठक समाज की बैठक है और समाज की बैठक में विकास के लिए समाज कैसे आगे बढ़े और खास तौर से जो आज की हमारी जो मीटिंग का समझो या इस पूरे कार्यक्रम का समझो, मकसद एक ही था कि सैनी समाज संगठित रहे, एकजुट रहे और जहाँ भी जिस दल में भी वो काम करता है वो काम करे लेकिन सैनी समाज को मजबूती में सब मिलकर काम करें। क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि परिवार द्वार और जातिवाद दोनों को हम अस्वीकार करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसलिए हम जातिवाद की बात नहीं कर रहे, समाज सुधार के लिए जातिवाद हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जहां राजनीतिक सवाल आता है समाज अपनी भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़े। देखिए, आज राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा द्वारा प्रदेश स्तरीय
अधिवेशन का आयोजन किया गया और साथ ही में वर्तमान में माली सैनी समाज के विधायक कैबिनेट मंत्री जो कि 5 हैं, जिसमें अविनाश गहलोत जी हैं, जेतारन से 2 बार विधायक रह चुके और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रभुलाल जी सैनी साहब, ऐसे ही तमाम विधायकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और साथ में हमने जो अभी विगत पिछले साल 4 जून को माली महासंगम का आयोजन किया था, उसमें जो दानदाता भामाशाहों ने तन मन धन से सहयोग किया था, उनका सहयोग और सम्मान समारोह किया गया। आज पुनः हमने महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री छुट्टनलाल सैनी जी को पुनः एक साल के लिए संपूर्ण समाज द्वारा उनका स्वागत करते हुए उन्हें पुनः एक साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। साथ में कार्यकारी अध्यक्ष सीएल सैनी जी को रखा गया इसमें, और तमाम इसमें प्रदेश स्तर से तमाम जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों समेत अन्य गणमान्य माली सैनी समाज के व्यक्तियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें करीब 1000 से 1500 लोग उपस्थित रहे।